हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ मिट्टू पत्रा आईटी कटक से हूँ और हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। तो आज एक फिर से आए हैं जो ट्विल डेरिवेटिव्स का नया टॉपिक लेकर। तो इस टॉपिक का नाम है डायमंड ट्विल। जो डायमंड ट्विल लिखे हैं हम पीछे बोर्ड पर, तो डायमंड ट्विल है आज। ये ट्विल डेरिवेटिव्स का एक बढ़िया टॉपिक है और ये डायमंड ट्विल को हम यूज करते हैं बेडशीट में, टेबल क्लॉथ में, कारपेट में, पिलो कवर्स के डिजाइन, पिलो कवर्स के बनाना हो या तो ट्रे टॉल्स में, इसके ज़्यादातर डिमांड आती है। तो ये डिजाइन बनाने के लिए हम डायमंड डिजाइन बनाने के लिए डॉबी का यूज करना पड़ता है, मतलब उसमें सेटिंग सिस्टम रहता है डॉबी का। और डायमंड जैसा शेप इस ट्विल, ये तो जैसे ही ट्विल का मॉडिफिकेशन किया है, मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया गया है। और इसमें क्या है, ये जो शेप आता है डायमंड जैसा लुक आता है कपड़े में, तो इसलिए उसका नामकरण ऐसे किया गया है कि डायमंड वी या तो डायमंड डिजाइन, ठीक है। और ये डायमंड डिजाइन हमारे जिगजैग ट्विल के जो प्रिंसिपल है उसको आधार कर बनाया गया है। तो आज कुछ एग्जांपल लूँगा, छोटा सा रिपीट का एग्जांपल लूँगा, जैसे अपना अच्छे से समझा सकते हैं उसको, समझा सकते हैं। या तो बड़े रिपीट में लो तो बड़े आकार में होगा, छोटे रिपीट में लो तो छोटे रिपीट में, मतलब छोटे आकार में होगा। यानी कि उसको हमें टेबल के अपना बोर्ड के हिसाब से हम बनाए हैं, छोटा रिपीट लेकर, मतलब उसको समझाएंगे अच्छा से। और हमारे ये कॉन्फिडेंस है कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर हाँ, ये डिजाइन समझने के लिए पहले जिगजैग ट्विल के ऊपर पूरा कवर करना पड़ेगा, जो हमारे जिगजैग ट्विल का पिछला ट्विल डेरिवेटिव जब हम चालू किए थे तो पॉइंटेड ट्विल या तो जिगजैग ट्विल ये पूरा डाले थे। तो उसका टॉपिक आप देखना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और उसको आधार करके अब थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा जिगजैग ट्विल का। और जिगजैग ट्विल का जैसे आपका कंफर्म हो जाएगा या तो आप जानते हो जिगजैग ट्विल के ऊपर, तो जिगजैग ट्विल को आधार करके ये डिजाइन बनता है। और आज के जो व्हिप लेंगे, सिंपल व्हिप लेंगे, बैलेंस ट्विल या तो रेगुलर ट्विल का, वो 2x2 का एक बेसिक ट्विल लेंगे। और 2x2 का बेसिक ट्विल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे डायमंड डिजाइन, जो हमारे डायमंड डिजाइन में कैसे दिखेगा, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, उसका डिजाइन, ड्राफ्ट एंड पेक प्लान, ये तीनों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए और बाकी लोगों को पास पहुंचाइए जिनको ये डिजाइन के ऊपर नॉलेज लेना है, या तो कोई लूम सेट में जॉब कर रहा है या तो इसके ऊपर जिनका नॉलेज नहीं है उनको भी ये ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक भी ज़रूर देते रहिए। तो चलते हैं डायरेक्ट डिजाइन के ऊपर, उसका डिजाइन कैसे ड्रा करते हैं। मैं एक सिंपल 2x2 सिंपल ट्विल को लेके यह डिजाइन डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। चले ठीक है, वीडियो को अभी बोर्ड के ऊपर पूरा फोकस कीजिए ताकि मैं ये समझा रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और हमारा ये कोशिश रहेगा कि ये डायमंड डिजाइन को हम इतना बढ़िया के समझाएंगे ना कोई डाउट उसमें रहेगा ही नहीं किसी को। हमारे ये कॉन्फिडेंस है कि हम समझाएंगे जो आप लोग अच्छे से समझे, और प्रॉब्लम है या तो कोई डाउट है फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में, ठीक है। तो चलते हैं 2x2 का मैं एक सिंपल वीव लेके उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं। 2x2 का सिंपल वीव कैसा है आप सबको मालूम है, 2x2 में कितना लगता है आप सबको मालूम है। 2x2 का जो अगर लिफ्टिंग लेंगे ट्विल में, आरएसटी ट्विल, तो 2x2 में 2 अप एंड 2 डाउन, या तो इसमें 2 अप 2 डाउन हो तो कितना एंड्स लगेगा, कितना पिक लगेगा, 4x4 साइज, यानी 4 एंड्स एंड 4 पिक का साइज रहेगा जो सिंपल वीव, उसका डायमंड डिजाइन बनाएंगे। और डायमंड डिजाइन देखने में कैसा है, डायमंड जैसा, यानी कि ये हो गया हमारे डायमंड जैसा लुक, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर ये जो हो गया, ये हो गया हमारा डायमंड जैसा लुक। और ये जो डिजाइन का लुक कपड़े में इस तरह आएगा, तो इसलिए उसको डायमंड डिजाइन ही बोलते हैं, ठीक है। तो 2x2 का एक सिंपल वीव लेते हैं। 2x2 का वीव कैसा है, 4 एंड्स एंड 4 पिक्स, 1 2 3 4, चलो 2x2 एंड 1 2 3, 2x2 है ना, 2x2 अच्छा हो गया, ऑलरेडी 4 ये हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हाँ
1, 2, 3, 4, pick 1, pick 2, pick 3, pick 4. तो 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2, ये सिंपली भी है। इसका डायमंड डिजाइन बनाएंगे, तो डायमंड डिजाइन में देखिए जो डिजाइन का लुक ये इस तरह दिखेगा। अगर इसको ग्राफ करके दिखाएंगे तो स्क्वायर जैसा ही है। मान लो डायमंड डिजाइन अगर ये स्क्वायर करेंगे तो इस पॉइंट से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो अगर ये स्क्वायर के अंदर ये डायमंड डिजाइन बना जाएगा। तो ये जो बीब है इसका डायमंड डिजाइन का बेसिक बीब का जो साइज है 4x4, तो उसका जितना बेसिक बीब का जो साइज है जितना एंड्स एंड पीक, तो उसका 2 गुना एंड्स ज़्यादा लगेगा और 2 गुना पिक्स ज़्यादा लगेगा। तो 2x2 का मैं सिंपल बीब लिया हूँ, तो उसमें 4 एंड्स 4 पिक्स का ये क्या है साइज है। तो उसमें जो डिजाइन जब बनाएंगे डायमंड ट्विल, तो डायमंड भी बनाएंगे तो उसका साइज हो जाएगा 8x8। जब 4x4 एंड्स 4 पिक्स का वो हो जाएगा 8x8, 8 एंड्स एंड 8 पिक्स का, तब जाएगा ये डायमंड डिजाइन बनेगा। ठीक है, ये भी मिटा लेता हूँ। अभी डायरेक्ट डिजाइन के ऊपर चलते हैं। 2x2 का बेसिक भी लिए थे तो उससे हम डिजाइन बनाएंगे डायमंड। तो ये मैं टेबल ड्रॉ किया हूँ, आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एंड्स ड्रॉ किया हूँ वर्टिकली। और पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4, पिक 5, पिक 6, पिक 7, पिक 8, ये हो गया पिक हॉरिजॉन्टली। तो 2x2 को ड्रॉ करेंगे, मैं बोला था ये स्क्वायर में ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ ये बीच वाला ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये थोड़ा डीप कर दिया हूँ कि ये लाइन दूर से दिखे अच्छा से। तो ये जो बॉक्स में ये इसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट ये जिगजैग टूल के ऊपर बनेगा और 2x2 को बेसिक टूल लिए हैं, तो ये टूल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2x2, 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 ये भर दिया मैंने। जो 2x2 का सिंपल वेव था उसको इसी में भर दिया, ये बॉक्स में। बाकी जिगजैग टूल को फॉलो करेगा तो ये बाकी इसके सामने वाला जो बॉक्स आएगा वो जिगजैग टूल का फॉलो करेगा। तो जिगजैग टूल में क्या होता है, फिर यहाँ तक गया राइट ट्विल लाइन, फिर इस पॉइंट से रिवर्स होगा, ये लास्ट वाला एंड्स का मतलब लिफ्टिंग है जो 2x2 बेसिक वीव का। तो यहाँ पे रहेगा ये वाला, इसके पीछे वाला, ये जिगजैग टूल का जो प्रिंसिपल है। इसके लिए हम बोल रहे थे कि जिगजैग टूल को अच्छा से एक बार वीडियो देख के समझ लीजिए, अगर जिगजैग टूल का याद है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जिगजैग टूल के हिसाब से हम इसको ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, और जिगजैग टूल का ये बता रहा है ये रिवर्स होने के बाद यहाँ से गया ऊपर, इस पॉइंट से रिवर्स हुआ, फिर जो बेसिक टूल का लास्ट वाला एंड्स का जो लिफ्टिंग है वो फिर लास्ट में यहाँ ड्रॉ करना होता है। तो ये हो गया बेसिक टूल, यहाँ पे रिवर्स, यानी कि ये हो गया जिगजैग टूल या तो पॉइंटेड टूल जैसा ही इसको बना दिए। फिर अब ये क्या करना है, बोला था कि जो जिगजैग टूल का जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर बनेगा। तो ये वाला पार्ट को मान लेते हैं ये सिंपल वेव है, उसका जिगजैग बना के ये कवर कर लिए, मान लो इसको भूल जाइए। अब यहाँ से ये मान लो ट्विल है, इस ट्विल का जिगजैग बनाएंगे तो फिर ऐसे करके फिर जैसे ख़त्म होगा नीचे, फिर लास्ट वाला जो एंड्स है उसका लिफ्टिंग लास्ट में ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो इसको भूल जाइए, इसका अभी पॉइंटेड टूल बनाएंगे या तो जिगजैग टूल इस तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर आया ख़त्म हुआ, फिर इसमें वो भरेगा इसके पीछे वाला जिगजैग टूल का जो प्रिंसिपल कह रहा है, तो ये रहेगा। फिर इसके ये जो सेंटर वाला पोजीशन है पॉइंटेड जहाँ से रिवर्स हो रहा है, इसका पीछे वाला जो है वो आगे में रहेगा, फिर आगे वाले 2 में ये सेंटर वाला का पीछे वाला 2 रहेगा, यानी कि ये ले लिया, अब ये जाएगा ये वाला में कैसा है, ऐसा है। ठीक है, फिर जाएगा कौन सा, ये आगे वाला 3, ये सेंटर 1, 2, 3, पीछे का 1, 2, 3, अच्छा ये वाला जो ऐसे एक यहाँ क्रॉस एक यहाँ क्रॉस, पॉइंटेड टूल यहाँ आके ख़त्म हो गया, फिर जो सेंटर वाला लिफ्टिंग है वो लास्ट में डालना होता है जो जिगजैग टूल का प्रिंसिपल है। हम यहाँ लाए थे फिर रिवर्स किए, ये वाले को इधर डालेंगे, हो गया। तो अपना अब तक ये कंप्लीट हो गया जिगजैग टूल, मतलब ये जो जिगजैग टूल बना हमारी इस बॉक्स को जो टूल है उसका जिगजैग करके हम बना लिए।
फिर यहाँ पे जो इस बॉक्स में जिगजैग टूल बना वो इसका, ये जो टूल है इसका जिगजैग बना ली, यहाँ तक गया, फिर नीचे तक आया, फिर लास्ट में क्या होता है जहाँ लास्ट, ये जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स में, ये वाला बॉक्स में जो था लास्ट वाला लिफ्टिंग, लास्ट एंड्स का, तो उसका लिफ्टिंग यहाँ पे टक दी। ये जिगजैग टूल का प्रिंसिपल है। तो उस तरह अभी इस बॉक्स में कैसे भरेंगे, इस बॉक्स में इसका जो जिगजैग टूल जो है उसको भरेंगे। जैसे कि जिगजैग टूल है, अभी ये यहाँ से आया, यहाँ ख़त्म हुई, इसको मान लेते हैं लास्ट, इस बॉक्स का ये लास्ट वाला एंड से इस तरफ मान लेते हैं, ऐसे इस तरफ आप इसको थोड़ा, हम फिगर को दिखा रहे हरे, मतलब आमने सामने देख रहे, आप थोड़ा इसको ऐसे देखिए, इस तरफ होके लेफ्ट के तरफ सामने कीजिए, यानी कि आपका जो पोजीशन है उस तरफ रहिएगा, और ये डिजाइन को ऐसे सोचिएगा क्योंकि लेफ्ट के तरफ अपना सामना सामने होगी। तो इससे फिर यहाँ तक ये आया, इस पॉइंट से फिर रिवर्स करना है जो पॉइंटर टूल का है, यहाँ पे ये मान लो इस बॉक्स का लास्ट वाला एंड, तो इस पॉइंट से रिवर्स करना है। तो ये लाइन में कौन सा आएगा, इसका पीछे वाला जो जो डिजाइन है उसके हिसाब से ये। तो फिर क्रॉस कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ पे एक यहाँ पे, ये तो मिस, हाँ ये पीछे का एक है, आगे का दो, पीछे का एक है, पीछे का एक है, आगे का भी एक। अभी आगे का दूसरा नंबर में कौन सा भरेंगे, जो पीछे का दो ये भर दिए हैं, ये वाला भरेंगे दो, एक यहाँ एक यहाँ, फिर ये दो हो गया पीछे का, एक दो तीन, तीन तो यहाँ पे भी एक दो तीन इसमें आएगा, ये वाला कौन सा, दो दो, ठीक है। अब क्या बोला था, जिगजैग ये टूल का पकड़ लिए मान लो बेसिक, उसका जिगजैग बनाए तो फिर यहाँ से रिवर्स किए गया लास्ट तक, ये ख़त्म हो गए, फिर यहाँ पे वही रहेगा जहाँ से ये पॉइंट से रिवर्स हुआ, हमारे रिवर्स हुआ था इस पॉइंट से, क्योंकि ये हमारा एक बॉक्स था, इसे लास्ट था, तो इस पॉइंट से रिवर्स हुआ, इसी का लिफ्टिंग यहाँ पे रखेंगे, जो जिगजैग टूल का प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। शायद अभी हम कंप्लीट कर दिए हैं ये डायमंड डिजाइन, ठीक है। हम क्या, आपको शायद कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है आप सबको, हो सकता है जैसे ये बॉक्स को लिया, इसका जिगजैग टूल का प्रिंसिपल आधार करके ये बॉक्स हम कंप्लीट किए, फिर ये वाला बॉक्स भरना था, मैं इसको पकड़ लिया सिंपल भी, यहाँ से फिर जिगजैग टूल के प्रिंसिपल लेके ये बना लिए, फिर इसको हमने क्या किए, इसको मैं अभी ये सब पकड़ लिया सिंपल वेव, यहाँ से जिगजैग टूल प्रिंसिपल आधार करके ये भी भर दिया, तो ये टोटल कंप्लीट हो गया हमारे क्या डायमंड डिजाइन 2x2 का, ठीक है। 2x2 में सिंपल वेव का रिपीट साइज था 4 एंड 4 पिक, डायमंड में जो सिंपल वेव का डबल डबल दो गुना ज़्यादा एंड्स एंड ज़्यादा पिक लगेगा, तो 4 एंड 4 पिक का अगर सिंपल वेव होता है तो उसमें डायमंड डिजाइन का लगेगा 8 एंड्स एंड 8 पिक का, तो ये 8 एंड 8 पिक का साइज है 2x2 बेसिक टूल का डायमंड डिजाइन, ठीक है, हुआ ना डायमंड डिजाइन। हाँ, जैसे कि ये एक डायमंड शेप दिख रहा है, यहाँ पे उसका दूसरा रिपीट बना देंगे तो यहाँ पे मोटी पा जाएगा, ये वाला फिर इस तरह बनेगा, यानी कि ये ऐसा बनेगा, फिर ये ऊपर से यहाँ पे एक डिजाइन बना लेंगे, फिर यहाँ से एक और डिजाइन प्लॉट करेंगे तो ये वाला इस तरह बनेगा, तो ये पूरा डायमंड जैसा ही लुक आएगा ये डिजाइन का। ये सिंगल रिपीट है, अभी सिंगल रिपीट में ये कवर हो रहा है, अभी ये ऐसा होके ये होके अपना ऐसा हो रहा है, तो इसका भी दिखा दे रहे हैं अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखो डायमंड जैसा ही शेप आ रहा है ना, समझ गए, देख रहे हैं ना, ये देख पा रहे हैं ये डायमंड जैसा शेप आया, तो ये डिजाइन 2x2 का डायमंड डिजाइन कंप्लीट किया, तो उसको देख के हम ड्राफ्टिंग प्लान बनाएंगे, और ड्राफ्टिंग प्लान वही है जिन जिन एंड्स का लिफ्टिंग सेम है उसको एक ही शाफ्ट में लेंगे, जिन जिन एंड्स का लिफ्टिंग सेम नहीं है उसको दूसरे शाफ्ट में लेंगे, ठीक है। ये होता है ड्राफ्टिंग प्लान, तो ड्राफ्टिंग प्लान डिजाइन के आधार पर बनेगा, अभी कितना शाफ्ट लगेगा मुझे भी नहीं मालूम, अभी मैं लाइन खींच दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, शाफ्ट के हिसाब से 5-7 लाइन खींच लेता हूँ, जहाँ तक ये डिजाइन कवर हो जाएगा और जितना अपने शाफ्ट मिलेंगे तो वो फाइनल होगा, उतना शाफ्ट इस डिजाइन के लिए लगेंगे। तो अभी हॉरिजॉन्टली शाफ्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो 6, 7, 8, चलो मुझे भी नहीं पता अभी कितना शाफ्ट लगा, हम डिजाइन से निकालेंगे इस डायमंड के लिए हमें कितना शाफ्ट लेना पड़ेगा, इसके सामने एंड्स के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये आ गया, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा वो शाफ्ट का नंबर को मेंशन करेंगे, H1, H2, H3, H4, H5, H6, देख लेंगे कितना शाफ्ट यूज होगा, पर इस रीजन से निकालेंगे तब तो पता लगेगा ना। मैं अगर याद करके पहले बोल दूंगा तो आप भी सोचेंगे कि नहीं ये मतलब ऐसे ही मतलब पहले से याद करके ऐसे ही ड्रॉ कर लिए, नहीं एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगा कितना शाफ्ट लगेंगे, ठीक है। वही देखे ना आपके साथ, आपको भी दिखा रहा हूँ और मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो रहा है नहीं हो रहा, एक बार देख लीजिए। हम बोले थे जिस एंड्स का लिफ्टिंग सेम है उसको एक शाफ्ट में रखेंगे, जिस एंड्स का लिफ्टिंग अलग अलग है उनको रखेंगे अलग शाफ्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे से ऑप है दो, मान लो इसके लिए एक यहाँ पे ले लिए एक नंबर एंड्स का, फिर दो नंबर का मैच हो रहा है क्या कहीं, दो नंबर का मैच नहीं हो रहा है उसके लिए अलग शाफ्ट, तीन नंबर का मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चौथा नंबर का मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पाँच नंबर का कहीं मैच हो रहा है क्या देखना पड़ेगा, ये वाला दो ओप दो ओप एक दो तीन दो, हाँ तो पाँच नंबर का मैच हो रहा है किसके साथ, तीन के साथ। तो यहाँ पे पाँच नंबर एंड्स ये है ना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर एंड्स का लिफ्टिंग किसके साथ मैच हो रहा है, तीन नंबर के साथ, तो तीन नंबर कौन सा, एक दो तीन इसके सामने आएगा, यहाँ पे गोला लगाना पड़ेगा, ठीक है। छः नंबर का किसके साथ मैच हो रहा है देखिए अच्छा से, यहाँ पे दो अप ये भी दो अप, यहाँ पे एक डाउन फिर दो दो ये, तो ये वाला कौन सा छः नंबर के साथ मैच हो रहा है, दो नंबर, छः नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग है वो दो नंबर का लिफ्टिंग है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः नंबर एंड्स है और दो नंबर के साथ मैच हो रहा है दो, तो इस लाइन में यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा गोला, ठीक है। अभी कंप्लीट हो गया छः नंबर एंड्स का, सात नंबर एंड्स का देखिए, सात नंबर का किसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे ऑप है ये भी ऑप है, एक दो डाउन एक दो डाउन, एक दो तीन अप एक दो तीन अप, तो ये सात नंबर मैच हो रहा है हमारा एक नंबर एंड्स का जो लिफ्टिंग है, तो सात नंबर वाला गोला यहाँ पे लगेगा क्योंकि एक नंबर एंड्स वाला जो लिफ्टिंग मैं यहाँ पे लगाया था इसके लिए। अभी आठ नंबर किसके साथ मैच हो रहा है थोड़ा देखिए ध्यान से, आठ नंबर मैच हो रहा है कहीं, ये दो ऑप है ये भी दो ऑप, यहाँ पे दो डाउन यहाँ पे दो डाउन, यहाँ पे एक ऑप फिर दो डाउन फिर लास्ट में ऑप फिर लास्ट में ऑप, तो आठ नंबर हमारा मैच हो रहा है चार नंबर के साथ, तो आठ नंबर ये वाला एंड्स, चार नंबर कौन सा, एक दो तीन चार, तो यहाँ, ठीक है। मुझे नहीं पता था कितना हेड शाफ्ट लगेगा, आपके सामने प्रूफ के साथ निकला, तो अभी फाइनली कितना हेड शाफ्ट लगा, एक दो तीन चार, चार ही लगा, ये ड्रॉ करने का जरूरत नहीं था, पर आपको बताने के लिए ये मैं ड्रॉ किया था कि कितना शाफ्ट कैसे निकालेंगे, कितना शाफ्ट लगेगा उस डायमंड डिजाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। एक के साथ हमारा मैच हुआ सात नंबर, दो के साथ मैच हुआ छः नंबर, तीन के साथ मैच हुआ पाँच नंबर, चार का साथ मैच हुआ आठ नंबर, ठीक है। ये डिजाइन हो गए, इसका ड्राफ्टिंग प्लान हो गया, अभी पेक प्लान निकालेंगे, पेक प्लान वही है वो शाफ्ट को वर्टिकल ड्रॉ कर देंगे और जितना भी डिजाइन में पिक्स है उसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देंगे, और कौन से पिक में कौन सा अपना फ्रेम को अप या डाउन करना है वो होता है ना पेक प्लान, तो अभी ड्रॉ करते हैं। हमारे चार हिल शाफ्ट लगे तो चार, ये हिल शाफ्ट को हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी ये पिक्स को इसके सामने लगा दिया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हो गया। ये डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा है, चलो अब तो अच्छा दिखेगा। एक दो तीसरा पिक चौथा पिक पांच पिक छ सात आठ पिक, एक पिक आठ पिक सेवन पिक सिक्स पिक फाइव पिक फोर पिक थ्री पिक टू पिक वन, ठीक है। ये पिक हो गया हॉरिजॉन्टल, अभी ये शाफ्ट लगा था फोर, चार शाफ्ट का हमने हॉरिजॉन्टल था, अभी वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, तो वर्टिकल ड्रॉ कर लेते ना उसका, एक दो तीन चार, ठीक है। ये हिल्ड वन हिल्ड शाफ्ट टू हिल्ड शाफ्ट थ्री एंड हिल्ड शाफ्ट फोर, ठीक है। तो हिल्ड वन का जो कौन सी एंड्स का लिफ्टिंग को कंट्रोल कर रहा है और उसी एंड्स का जो लिफ्टिंग है उसका H1 के सामने भर देंगे H1 वाला कॉलम में, ताकि वो पेक प्लान एक नंबर हिल शाफ्ट का वो लिफ्टिंग का बताएगा, पेक प्लान बताएगा। तो ऐसे करके एक दो तीन चार चारों का अभी लिफ्टिंग बनाते हैं, पेक प्लान बनाते हैं या तो लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं। तो एक नंबर में हमारा कौन सा एंड्स का कंट्रोल कर रहा है, एक नंबर एंड्स कंट्रोल कर रहा है सात नंबर है,
एक और सात का जो लिफ्टिंग है उसी को यहाँ पे भर देंगे। सात नंबर का ही है, एक नंबर है। चलो वही यहाँ पे नीचे से क्रॉस, एक दो छोड़ के फिर तीन क्रॉस, एक दो तीन क्रॉस, फिर ऊपर दो छोड़ा है। चलो दो नंबर हिल शाफ्ट का क्या लिफ्टिंग है, दो नंबर अपना कंट्रोल, दो नंबर को भी कंट्रोल कर रहा है, छः नंबर को कंट्रोल कर रहा है, छः नंबर का जो है हाँ दो अच्छा, तो नीचे से दो छोटा हुआ है, दो डाउन है, क्रॉस क्रॉस एक छोटा है, फिर क्रॉस क्रॉस ठीक है, लास्ट में एक डाउन, यही था। दो यहाँ पे ब्लैंक यानी दो डाउन दो अप, फिर एक डाउन फिर दो अप फिर एक डाउन। अभी तीसरा का कौन सा है, तीसरा नंबर का हिल शाफ्ट हमारे कंट्रोल का है तीन नंबर एंड्स एंड पांच नंबर एंड्स, तीन का और पांच का एंड्स का लिफ्टिंग जो है वो कंट्रोल कर रहा है हमारा तीन नंबर फ्रेम, तीन नंबर हिल शाफ्ट। तो पांच नंबर का डिजाइन क्या है, नीचे से डाउन है, दो अप, फिर एक दो तीन, एक दो तीन क्या है डाउन है, फिर ऊपर ये अप है। फिर चौथा नंबर का क्या है, चौथा नंबर का ये चार नंबर, चौथा नंबर जो फ्रेम है वो चार नंबर एंड्स को कंट्रोल कर रहा है और आठ नंबर एंड्स को जो लिफ्टिंग है वो कंट्रोल कर रहा है। तो उस पर वो भरेंगे जो चार आठ का डिजाइन, चार आठ एंड्स वाला जो लिफ्टिंग है। तो नीचे से दो, एक दो ये छोड़ दिया, फिर एक ऑफ है, फिर दो छोड़ के लास्ट में ऑफ, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिजाइन, डायमंड डिजाइन, ड्राफ्टिंग एंड पैक प्लान, ड्राफ्टिंग ये हो गया, पैक प्लान ये हो गया, डिजाइन ठीक है। इसके लिए कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ये सबसे इजीएस्ट व्यू है। और जिगजैग टूल को पहले समझना पड़ेगा कैसे ड्रॉ होता है, जिगजैग टूल का जैसे ड्रॉ होता है अगर वो कंफर्म हो जाएंगे और अच्छा आइडिया अच्छा से क्लियर हो जाएगा तो इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सिंपल यही है, फिर दोबारा से एक मिनट में रिपीट कर रहा हूँ ये सारा चीज़, और ताकि ये चीज़ अच्छा से रिपीट हो जाए। और कहीं डाउट है ज़रूर कमेंट में डालिए, और हो सकता है डायमंड व्यू का थोड़ा बड़ा रिपीट लेके अगला वीडियो में डालेंगे, अभी तो यही 2x2 का डाल दिया, अगर 3x3 भी बनाना है तो हम बना देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन भी नहीं, फिर ये चीज़ अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फिर भी दिखा रहा हूँ, ये 2x2 का बेसिक टूल था ये बॉक्स में, इसका जिगजैग बना दिया तो यहाँ तक आया, यहाँ से रिवर्स हुआ, रिवर्स हुआ तो जिगजैग प्रिंसिपल बोल रहा है, जहाँ तक रिवर्स करके उस पॉइंट से ये बेसिक टूल का लास्ट रेंज तक ड्रग के RST में, फिर इसको रिवर्स किए वहाँ तक, फिर लास्ट में वही वाला आएगा जो सिंपल वेव का लास्ट वाला एंड्स का जो लिफ्टिंग है, ये आ गया, ये हो गया जिगजैग टूल आधा। इसमें भर दिया कौन सा, इसको पकड़ लिए सिंपल टूल सिंपल वेव, इसका जो है ये यह आया यहाँ तक, यहाँ से रिवर्स किए तो इसके यहाँ पे वो करे, इसका पीछे वाला ड्रग लिए, इसका आगे वाले दो में उसका दो पीछे वाले का ड्रा कर दिए, ये वाला ड्रा कर दिए इसका आगे वाला तीन में, फिर ये आएगा यहाँ तक, फिर लास्ट वाले में ड्रा करे जो इस बॉक्स का जो सिंपल वेव लिए थे लास्ट वाला एंड्स का, यानी कि इस तरह देखेंगे तो ये क्या होगा, ये लास्ट एंड्स कहलाएगा। पर ऐसा तो पिक्स है, बाकी अगर उसको हम इस तरह सोचेंगे, मतलब हम सामने खड़े हो रहे और इसको हम मतलब लेफ्ट के तरफ देखेंगे तो ये इस तरह से शुरू होता है, यहाँ लास्ट होता है, ख़त्म हो जाए तो ये यहाँ पॉइंट से ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स करके ये वाला डिजाइन यहाँ ख़त्म हुई, फिर जिगजैग टूल बोल रहा है कि ये बॉक्स ये जो सिंपल वीव है या तो ये जो डिजाइन है इसका लास्ट वाला जो एंड्स का लिफ्टिंग वो लास्ट में ही आएगा, मतलब जिगजैग टूल जब ख़त्म होगा उसका लास्ट वाला मतलब लाइन मतलब एंड्स में उसी लिफ्टिंग आएगा। ये बॉक्स कंप्लीट हुआ, ये बॉक्स तीनों कंप्लीट हुआ, इसको कैसे हो गया उस तरह, इसको पकड़ लिया हम, इसको पकड़ लिया इस तरफ अपने राइट के तरफ, अभी फेस कर रहे हैं मुँह, जैसे राइट के तरफ सामने कर रहे हैं, राइट के तरफ अपना अपना अंदाज लगा के उसको सोच रहे हैं, तो ये वाला बॉक्स होगा अपना ट्विल, जो ये ट्विल का जिगजैग बनाना है, तो ये आया यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया इस पॉइंट से, फिर रिवर्स हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, फिर जिगजैग ट्विल बोल रहा है लास्ट वाले में वही भरेंगे जो पहला वाला जो ट्विल है जो सिंपल वेव है इसके लिए, इस जिगजैग के लिए उसका जो लास्ट वाला लिफ्टिंग है वो भरेंगे यहाँ पे। तो इस तरह हम ये कंप्लीट कर दिए डायमंड डिजाइन, फिर डायमंड डिजाइन में ये डिजाइन से पता लग गया जो जो जिन जिन एंड्स का मतलब लिफ्टिंग सेम है उसके लिए एक ही साथ, जिन जिन का लिफ्टिंग अलग अलग है उनके लिए अलग अलग हिसाब, इसके लिए ड्राफ्टिंग बना दिए, ड्राफ्टिंग से फिर पैक प्लान बना दिए, यही था डायमंड डिजाइन। और डायमंड डिजाइन सबसे अच्छा भी व्यू है, देखने में भी अच्छा लगता है, और ये यूज होता है हमारे टेरिटॉल में, टेरिटॉल पाइल भी बनता है, और बेडशीट में जैसे टेबल क्लॉथ में,
पिलो कवर्स में ये अच्छा है, उसका मोटिव जो आता है ना लुकिंग अट्रैक्टिव होता है, इसके लिए डायमंड डिजाइन का बहुत यूज होता है और ये ट्विल डेरिवेटिव में एक वीव है। ठीक है, हो सकता है आगे वाले वीडियो हम डायमंड डिजाइन का एक बड़ा रिपीट लेकर समझाएंगे और बाद में डाइपर्ड वीव का भी डालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था और हमारे वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचाइए जिनको ये नॉलेज लेना है या तो जिनको वीविंग फील्ड में जो काम करे स्टूडेंट उनके लिए। और इससे हमारे अगर कोई फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।